स्वागत आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट टेम्पलर न्यूज में। लंबी बीमारी से ग्रसित सरकारी कर्मचारी अपने आश्रित को दिला सकेंगे नौकरी, सरकार ने बदल डाले नियम। जी हां दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट सरकारी कर्मचारियों की नौकरी से जुड़ी हुई। तो खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है और अब रेलवे के ऐसे कर्मचारी जो कि लंबी बीमारी से ग्रसित हैं वो अब अपने आश्रित को अपनी जगह पर नौकरी दिला सकेंगे, बशर्ते उनका सेवाकाल 5 वर्ष से अधिक का बचा हो। रेलवे बोर्ड ने पूर्व की 21 साल की सेवा अवधि की बाध्यता को भी इससे हटा दिया है और उक्त व्यवस्था को देश के सभी जोन के लिए प्रभावी कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने ऐसे कर्मचारियों को राहत दी है जो कि हाई शुगर प्रेशर, कैंसर, लकवाग्रस्त सहित अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं या फिर नियमित रूप से सप्ताह में 3-4 दिन डायलिसिस कराते हैं। बीमारी के कारण लंबे समय से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित हो रहे हैं ऐसे रेलवे कर्मचारी अब नौकरी से सेवानिवृत्ति ले सकते हैं और अपनी जगह पर अपने आश्रित को नौकरी दिला सकते हैं। ऐसे कर्मचारी अब अपने बेटा, बेटी या फिर अन्य आश्रित को अपनी नौकरी दे सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने पूर्व में स्कीम का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को दिया था जो अपनी 21 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हैं, लेकिन अब इस बाध्यता को भी हटा दिया गया है और अब यहाँ पर कहा गया है कि डी कैटेगराइज्ड कर्मचारी अपनी नौकरी देते हैं तो उन्हें इसके बदले रेलवे से पेंशन मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे रेलवे कर्मचारी हैं जो कि बीमारी की वजह से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं तो वो रेलवे कर्मचारी अब सेवानिवृत्त होकर अपने आश्रित को नौकरी दिला सकेंगे। आदेश के तहत स्कीम का लाभ लेने वाले कर्मचारी तभी आवेदन कर सकते हैं जब उन्हें रेलवे की मेडिकल बोर्ड ने डी कैटेगराइज के तहत अनफिट फॉर ऑल कैटेगरी यानी कि किसी भी श्रेणी में ड्यूटी करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया हो तो ऐसे रेलवे कर्मचारी अब रिटायरमेंट ले सकते हैं और अपने किसी आश्रित को नौकरी दिला सकते हैं। और बड़े बदलाव यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इस स्कीम का लाभ लेने वाले रेलवे कर्मचारियों को पेंशन भी दी जाएगी और इसके लिए 21 साल की सेवा होना की जो शर्त थी उसे भी हटा दिया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला ये रेलवे बोर्ड के द्वारा लिया गया। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।